बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की। जिस तरीके से नारायण राणे ने महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और इसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शिवसैनिकों में तकरार हुआ, उसके बाद से बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको बता दें, नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र में शामिल एनसीपी और कांग्रेस भले ही चुप्पी साधी हो, लेकिन शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत बोलने से नहीं चूके। राणे के बयान पर संजय राउत ने कहा कि जो गलती उन्होंने की थी, संविधान के मुताबिक उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो चुकी है और अब बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना लाजमी है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बीजेपी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि इतने महीने तक क्यों सोए हुए थे, कानून और संविधान पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। वहीं परिवहन मंत्री अनिल परब ने टेलीफोन पर नारायण राणे की गिरफ्तारी के मामले में वायरल वीडियो के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्यायालय में यह मामला प्रलंबित है और न्यायालय पर हमें विश्वास है। काल मी रत्नागिरी मधून महाड कोर्टात जाऊन रात्री नाही सकाळी 5 वाजता मुंबईत पोहोचलो। आज हायकोर्टात माझ्या विरुद्ध ज्या ज्या केसेस शिवसेनेकडून दर्ज करण्यात आलेल्या आहेत त्यासंबंधी आता 3:30 वाजता निकाल लागलेला आहे। दोन्ही निकाल महाड आणि हे माझ्या बाजूने लागलेले आहेत, याचाच अर्थ किंवा देश कायद्याने चालतो आहे हे सिद्ध झालेलं आहे। मित्र, 17 सप्टेंबर पर्यंत कोर्टाची केस असल्यामुळे मी काही गोष्टीवर भाष्य करणार नाही। विषय कायद्याचे आणि न्यायाच्या अधीन आहे, न्यायालयाच्या अधीन असल्यामुळे त्याच्यावर आता काय चर्चा करायची। महाराष्ट्रात एक गुन्हा घडला धमकीचा, धमकी देण्याचा, अशी धमकी जेव्हा प्रधानमंत्र्यांना दिली जाते, केंद्रीय मंत्र्यांना दिली जाते किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिली जाते तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यावरती पोलीस कारवाई करतात। गृहमंत्री हो उस जिले के पालकमंत्री गार्डियन मिनिस्टर, मुझे मालूम नहीं क्या क्लिप है, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मंत्री यानी सरकार का एक हिस्सा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार और कहाँ, आपने उनका नाम सुना है बोलते हुए कि इसको गिरफ्तार करो उसको गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ हैंच्या विषयी सोशल मीडियावरती काहीतरी अपशब्द वापरले गेले, म्हणून 6-6 किंवा 7-7 महीने देशद्रोहाचा आरोपाखाली कोणी पत्रकार असतील, कोणी सामाजिक कार्यकर्ते असतील।